तो न्यूज वन इंडिया पर ये चर्चा अनलॉक भी लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, भूपेश अवस्थी साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें अध्यक्ष महानगर विकास समिति के ये अध्यक्ष हैं। भूपेश जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। भूपेश जी मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी कि कानपुर में किस तरीके से आपकी पार्टी, चूंकि आप महानगर विकास समिति के अध्यक्ष है, किस तरीके से आप लोग इस कोरोना काल को देख रहे हैं और कैसे आप कार्य कर रहे हैं? कोरोना काल में हम लोगों ने सामाजिक संस्था है हमारी, तो हम लोगों ने खाद्यान्न वितरण, भोजन वितरण और जो भी आवश्यक सेवाएं थी उनको करने का काम किया है, उनको लोगों को पहुंचाने का काम किया है। हाईवे में जो तमाम श्रमिक, प्रवासी श्रमिक आ रहे थे उनको खाना पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से एक वैश्विक महामारी है और ये महामारी के बारे में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ऐसा ऐसी एक महामारी है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इस काल में हैं, जो जिन लोगों ने देखा है इसको, निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह की जीवन हमारी है, जीवन शैली क्या है, इस पर ये बहुत गहरा असर इसका पड़ेगा और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से लोगों को इस पर सुधार करना होगा कि किस तरह से जीवन जी रहे थे, उस तरह के जीवन में से उनका सर्वाइवल नहीं है, इस बात को लोगों को सोचना होगा। ठीक है भूपेश जी, आप लोगों की तरफ से अभी चूंकि अनलॉक हो चुका है, जाहिर तौर पर चीजें सारी खुल चुकी हैं, लेकिन लोगों की जो लापरवाहियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैसे आपकी पार्टी लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो बेफिक्री हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है वो बेफिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम संकट से उभरे नहीं है, संकट अभी और आने वाला है। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, निश्चित रूप से संकट बड़ा अभी आने वाला है जो अभी तक नहीं आया है। अभी तक जो काम हुआ है सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है, लेकिन जो स्थितियां अब हो रही, जो बेफिक्री इस समय हो रही है, ये वास्तव में चिंता वाला विषय है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि यहाँ पर भी कोरोना के लोग मिल सकते हैं, लेकिन वो बराबर वो धीरे धीरे फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए हम लोग उसके लिए कारगर उपाय नहीं कर रहे हैं, पब्लिक कारगर उपाय नहीं कर रही है। आप देखिए तो सब्जी की दुकानों में, सामान जनरल स्टोर की दुकानों में, सड़कों पर भीड़ बेफिक्री से निकल रही है, निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत नहीं है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कानपुर की जनता के लिए भी और पूरे देश की जनता के लिए भी कि जब तक ये खत्म नहीं होता है संक्रमण काल, तब तक हम सब लोगों को बचा कर रखना चाहिए और खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। खुद अपनी सुरक्षा करें, दूसरों की सुरक्षा करें, यही एक इसका कारगर और बेहतर उपाय है। इसके अलावा कोई और इसका उपाय नजर नहीं आता। बिल्कुल भूपेश जी, लॉकडाउन के दौरान में आपकी पार्टी ने किस तरीके से लोगों की मदद की है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है कि ऐसे संगठन, ऐसे सामाजिक लोग निकलकर सामने आए, लोगों की मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कानपुर में भी ऐसे होंगे जो बाहर से आए हैं, श्रमिक हमारे वापस लौट कर आए हैं, उनके जीवन यापन के लिए उनका कामकाज ठप पड़ा हुआ है, कैसे उसको पटरी पर लाने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे देश में, और मैं सब समझता हूँ कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश सबसे पहले अग्रणी है। जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पर रोजगार देने की बात की जा रही है, जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पर खाद्यान्न और फ्री राशन देने की बात की गई, दिया गया राशन फ्री दिया गया, फ्री खाद्यान्न दिया गया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ की संस्थाएं भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इन सारे कार्यों पर। जहां तक प्रवासी सबको श्रमिकों की बात है, जिस तरह से एक जिले में उनको काम देने की बात चल रही है वो भी एक बहुत अच्छा कार्य है। और मैं समझता हूं कि अगर इस योजना को सरकार कारगर कर ले गई तो जो श्रमिक बाहर जाकर काम कर रहे थे, जिनको आने में बहुत कठिनाइयां हुई हैं यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में, आगे आने वाले समय में उनको इस तरह की कठिनाइयां नहीं होंगी और न ही उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बनती है तो ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए आमतौर से बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छा इसमें एक परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी था और ये परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलेगा।
बिल्कुल ठीक है भूपेश जी। साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी कि लोगों का कैसा सपोर्ट वहां पर मिल रहा है, लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब बाजार खुल चुका है, व्यापारियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बाजारों में भीड़ उतनी ही दिखाई दे रही है। मतलब स्थानीय प्रशासन क्या अलर्ट नहीं है, लोगों को समझाने में कहीं कमी रह रही है, या लोग खुद भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी हमें अपनी जान ज्यादा बचानी है, अभी बाहर निकलने से हमें महफूज रहना ज्यादा जरूरी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, स्थानीय प्रशासन का तो जैसा काम है जो सहयोग है उस पूरा सहयोग मिल रहा है, वो अपना काम भी पूरा कर रहे हैं, खासतौर से पुलिसकर्मी स्वास्थ्यकर्मी निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन समझता हूँ कि जैसा लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए उसकी कमी है। बराबर समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आपके चैनल से और तमाम चैनल्स के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए बाहर निकलते हैं तो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। तो सब्जी की दुकान हो, सब्जी का ठेला हो, या जनरल स्टोर की दुकान हो, या और मार्केट हो, जब मार्केट में जाते हैं तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं उनके जहन में नहीं रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग एक दूसरे पर के सामने एक दूसरे के आसपास बिल्कुल सट कर खड़े होते हैं, और उससे कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो मैंने आपसे पहले कहा कि उसका परिणाम यह है कि कानपुर के ऐसे क्षेत्रों में जहां उम्मीद नहीं की जा सकती है वहां तक धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा कि हम लोग सब लोग मिलकर पूरे कानपुर नगर के और पूरे देश के लोग मिलकर इस बात को समझाने का प्रयास करें कि भाई अभी इस पर यह संक्रमण काल है और इस पर हमको निश्चिंत होकर अभी काम करने की जरूरत नहीं है, अभी हमको बचाव करने की जरूरत है। जैसे चल रहा था वैसा ही हम जी अनलॉक के बाद भी उसको लॉकडाउन समझकर हमको रहना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने आप को सुरक्षित रहना है, तभी ये संभव है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस तौर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भीड़ निकलती है, लोग निकलते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म होने लगती है और लोग उन चीजों को भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं, घर पर आते हैं तो फिर से याद आ जाता है। तो बात जरूरत है इस बात की, उनको इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि हम अभी संक्रमण काल में है, इसलिए हमको सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर आप भूपेश जी, आगे के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि नवंबर तक के लिए तो कह दिया गया है कि कोरोना काल अभी नहीं जाने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है, आंकड़े भी जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी बच्चों की बात कर ले तो स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल भी खुलने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आने वाला समय बहुत सारी चुनौतियां लेकर आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस जो हर किसी की जिंदगी में हो रहा है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों या लोअर मिडिल क्लास हों, तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट किया जा रहा है कि किसी को कम से कम रोजी रोटी और खाने की दिक्कत ना हो? नहीं, हमने पहले कहा इसके लिए बराबर प्रयास चल रहा है। कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत निश्चित रूप से बहुत सारे रोजगार हैं और श्रमिकों की संख्या फिलहाल कम है क्योंकि लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, उनको बुलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मेट्रो का एक बड़ा काम चल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर उससे जो जुड़े श्रमिक हैं उनको बुलाने का कार्य भी किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार भी कर रही है, स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ के औद्योगिक समूह हैं वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि उनको रोजगार मिले। लेकिन जहां तक बात है कि अभी नवंबर दिसंबर तक ये चीजें अभी सामान्य नहीं होनी है जैसा आपने कहा है, तो निश्चित रूप से उन स्थितियों को ध्यान में रखकर हम सबको काम करना है। तमाम अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लोगों को रोजी रोटी और खाने के साधन उपलब्ध हो जाए, यही एक बहुत बड़ी हमारी सफलता होगी कि कोई भी आदमी भूख से ना मरे, किसी को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ध्यान रख रही है। लेकिन हमको भी इसके लिए प्रयास करना है, हम सबको मिलकर प्रयास करना है, लोगों को कम से कम भूख से की दिक्कत रहा है, लोगों को खाद्यान्न मिलता रहा है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, बराबर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ऐसी समस्याएं आती हैं उनका अभी भी निदान किया जा रहा है। अभी भी सेवा संस्थाएं चल रही हैं, लोग खाद्यान्न और भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले, लोग अपने आप पैसा हमारे की तरफ ध्यान दें और उनको पैसा के लिए रोजगार मिले। जब तक उनका उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक संभव नहीं है कि वो खाद्यान्न वितरण या उन चीजों से उनका घर चल सके, ये संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्थाएं हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर भूपेश जी, और क्या लगता है आप, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं और व्यवस्थाएं लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए खास तौर पर की गई हैं, वो उन तक सही तरीके से, सही व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाई हैं कानपुर में?
हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण विषय भी है कि जो योजनाएं हैं वो पहुंचे। अब वो उन योजनाओं को पहुंचाने का काम सरकारी मशीनरी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। जो मनरेगा में जो श्रमिकों को काम मिल रहा है वो पूरे 125 दिन सरकार ने घोषणा की है 100 दिन कम से कम मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार की है और सरकार कर भी रही है, लेकिन वो पहुंचे वहां तक इसके लिए बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बहुत बारीकी से इसको देखने की जरूरत है कि वास्तव में उन तक पहुंचे वो व्यवस्थाएं जो सरकार कर रही है, राशन वहां तक पहुंचे जो फ्री राशन बांटा जा रहा है वो उन तक पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उतनी कठिनाई नहीं है क्योंकि ग्रामीणों के पास रोजगार की कमी है, लेकिन खाने के संसाधन उपलब्ध है, फिर भी उन तक रोजगार पहुंचे। और जो बाहर से लोग आए हैं, खासतौर जो प्रवासी मजदूर वहां पर पहुंचे हैं, प्रवासी लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था हो। अगर उनके रोजगार की व्यवस्था होगी तभी वो लोग रुकेंगे, अन्यथा वो लोग फिर पलायन करने के काम करेंगे। पलायन को हर हाल में रोकना है, क्योंकि जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका उसका लाभ उनको मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के नजदीक उन्नाव जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां जो लोग क्वारंटाइन में लोग रखे गए थे, उन लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग में सफाई करना और पुताई करने का काम किया है। वो ऐसे लोग हमारे बीच में रहें और यहीं पर काम करें, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता भी है। इस प्राथमिकता के अनुरूप अगर सारे लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिलेगा, श्रमिकों को लाभ मिलेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी ये विपदा आई है आपका आई है उससे हम लोग कहीं ना कहीं उसका सामना कर सकेंगे और उससे छुटकारा पा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है भूपेश जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज़रूरी था, और अभी जिस तरीके से मॉल्स वगैरह ये तमाम चीज़ें खुल गई हैं और लोगों ने भी पूरी तरीके से बाहर आना जाना अपना शुरू कर दिया, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो हमारे आपके सामने है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन हमें ये अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध कर चलना पड़ेगा कि मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, इन तीन चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी अपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही हमें लंबे अरसे तक चलना पड़ेगा, जिसके लिए जागरूकता लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइजर भी का वितरण भी चल रहा है, बराबर चल रहा है, और संस्थाएं भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक अभियान चलाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम किया गया है, बहुत तेजी से किया जा रहा है, और उनके द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से भी लोगों को सचेत करने का काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जरूरत इसी बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके कि इससे क्या नुकसान है जी, और अगर हम सुरक्षा रखेंगे तो उसके क्या फायदे हैं। अगर हम लोगों को जागरूक कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे, तो निश्चित तौर पर हम इस महामारी को रोक सकेंगे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत भयावह हैं, बहुत घातक हैं। ये तो देश देख चुके हैं, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, अमेरिका जैसे देश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वहां पर सर्वाधिक मौतें भी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर हमको इस बात के लिए सबको सजग रहना होगा। सारे लोग सजगता से काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपका चैनल भी पूरी तरह से इस पर सहयोग कर रहा है। लोगों को खबरों के बजाय ये दिखाने की जरूरत है कि हमको सचेत रहना है, जागरूक करना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए भूपेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर ई चर्चा अनलॉक जारी है, बने रहे हमारे साथ, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।